प्रश्न एक। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं ए. चंदेश्वर, बी. विद्यापति, सी. ज्योतिरेश्वर, डी. हरि ब्रह्मदेव, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर ए. मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षाडगुण सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। प्रश्न दो। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ए. आर्थिक संबंध, बी. शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी. विदेश नीति, डी. धन संचय, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर बी। प्रश्न थ्री। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं ए. मौलिक कवि, बी. बोधराज, सी. परिमल, डी. विद्यापति, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर ए। प्रश्न चार। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ए. पाटलिपुत्र से, बी. बराबर से, सी. राजगिरी से, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। प्रश्न पांच। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है ए. मनेर ताम्रपत्र से, बी. मुंगेर ताम्रपत्र से, सी. धर्मस्वामिन के वृतांत से, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। उत्तर ए। प्रश्न छह। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं ए. ममलुक वंश, बी. खलजी वंश, सी. तुगलक वंश, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर सी। प्रश्न सात। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है ए. तिरहुत, बी. केंद्रीय बिहार, सी. दक्षिण बिहार, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। उत्तर ए। प्रश्न आठ। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है ए. फाहियान, बी. युआन चुआंग, सी. इत्सिंग, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। प्रश्न नौ। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था ए. मुल्ला तकिया, बी. अब्दुल लतीफ, सी. मोहम्मद सादी, डी. मुल्ला बहबहानी। उत्तर ए। प्रश्न दस। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? ए. मैंड्रिक, बी. जॉन मार्शल, सी. फ्रांसोए बर्निए, डी. पीटर मुंडी। उत्तर सी। प्रश्न 11। बाहरिस्तान-ए- गैबी किसकी रचना है? ए. मुल्ला तकिया, बी. मिर्जा नाथन, सी. मुल्ला बहबहानी, डी. मिर्जा गुलाम हुसैन। उत्तर बी। प्रश्न 12। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं एक. भग्नावशेष, दो. यात्रा वृत्तांत, तीन. अभिलेख, चार. सिक्के, पांच. धार्मिक ग्रंथ। ए. 1, 3 एवं 5, बी. 2, 3 एवं 4, सी. 1, 2, 3 एवं 4, डी. 1, 2, 3, 4 एवं 5। उत्तर डी। प्रश्न 13। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं ए. भग्नावशेष, बी. यात्रा वृत्तांत, सी. धार्मिक ग्रंथ, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। प्रश्न 14। बिहार में मौर्य कालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं एक. पालीपुत्र में, दो. लौरिया अरेरास से, तीन. लौरिया नंदनगढ़ से, चार. सहसराम से, पांच. रामपुरवा से। ए. 1, 2 एवं 3 से, बी. 2, 3 एवं 4 से, सी. 2, 3, 4 एवं 5 से, डी. 1, 2, 3, 4 एवं 5 से। उत्तर सी। प्रश्न 15। अशोक का लघु शिलालेख वन प्राप्त हुआ है ए. सहसराम से, बी. केसरिया से, सी. रामपुरवा से, डी. वैशाली से। उत्तर ए। प्रश्न 16। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है ए. संस्कृत, बी. प्राकृत, सी. एवं बी दोनों, डी. न ए और न बी। उत्तर बी। प्रश्न 17। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ए. खरोष्टी, बी. अरामाइक, सी. ब्राह्मी, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। उत्तर सी। प्रश्न 18। मृत्युल अहवाल किसकी रचना है ए. मुल्ला तकिया, बी. मिर्जा नाथन, सी. मुल्ला बहबहानी, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। उत्तर सी। प्रश्न 19। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है ए. कीर्तिपता, बी. कीर्तिपदा का, सी. वर्ण रत्नाकर, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। प्रश्न 20। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं ए. चिरांद छपरा से, बी. चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, सी. मनेर से, डी. उपयुक्त सभी से।
उत्तर डी। प्रश्न 21। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ए परवर्ती गुप्त वंश, बी हरियक वंश, सी पाल वंश, डी मौर्य वंश। उत्तर ए। प्रश्न 22। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है? ए मौर्य युग के बारे में, बी नंद वंश के बारे में, सी गुप्त युग के बारे में, डी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। उत्तर डी। देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। प्रश्न 23। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है? ए देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, बी नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, सी महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, डी उपयुक्त सभी से। उत्तर डी। प्रश्न 24। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं? ए अथर्ववेद, बी आरण्यक, सी उपनिषद, डी सामवेद। उत्तर ए। प्रश्न 25। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? ए विनय पिटक से, बी अंगुत्तर निकाय से, सी कल्पसूत्र से, डी दिग्निकाय से। उत्तर बी। प्रश्न 26। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है? ए मौर्य युग का बौद्ध विहार, बी गुप्त काल का मंदिर, सी पाल काल का बौद्ध विहार, डी शुंग वंश का बौद्ध विहार। उत्तर सी। प्रश्न 27। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दिग निकाय से जानकारी मिलती है? ए मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, बी मौर्योत्तर विहार के बारे में, सी उपयुक्त ए एवं बी दोनों के बारे में, डी न ही ए और न ही बी के बारे में। उत्तर सी। प्रश्न 28। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? ए मार्टिमर हिलर, बी दयाराम साहनी, सी विलियम जोन्स, डी कनिगम। उत्तर डी। प्रश्न 29। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? ए आर ब्रुशफोर्ड, बी कनिगम, सी विलर, डी मैकेंजी। उत्तर बी। वहां से दो अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिगम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। प्रश्न 30। पुरातत्ववेत्ता कनिगम ने बिहार में खोज की? ए केसरिया स्तूप चंपारण, बी लौरिया अरेरेज का शोक स्तंभ, सी बशाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, डी उपयुक्त सभी। उत्तर डी। प्रश्न 31। विदेह के राजा जनक ने निस्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए यह कहाँ वर्णित है? ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी छांदोग्य उपनिषद, डी उपयुक्त में कोई नहीं। उत्तर ए। प्रश्न 32। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है? ए खरोष्टी, बी अरामाइक, सी ग्रीक, डी उपयुक्त में कोई नहीं। उत्तर डी। प्रश्न 33। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? ए बाबर, बी शेरशाह, सी अकबर, डी शाहजहां। उत्तर बी। प्रश्न 34। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। उत्तर सी। प्रश्न 35। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का के स्रोत हैं? ए अंगुत्तर निकाय, बी दिग निकाय, सी विनय पिटक, डी उपयुक्त सभी। उत्तर बी। प्रश्न 36। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? ए गुलाम हुसैन तबतवाई, बी रुजकुला, सी अब्बास सरवानी, डी उपयुक्त में कोई नहीं। उत्तर ए। प्रश्न 37। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। रचना रचनाकार ए रियाज उसस लातीन, एक अब्बास सरवानी, बी तारीख शेरशाही, दो गुलाम हुसैन सलीम, सी वाकियाते मुस्ताकी, तीन रिजकुला, डी अफसनाए साहा, चार इकतसान देहलवी, ई बसातीन उन्स, पांच शेख कबीर।
ए 1 3 4 5 2, बी 2 1 3 5 4, सी 4 5 3 2 1, डी 2 2 5 3 1 4। उत्तर बी रचना रचनाकर। ए रियाज उसस लातिन, दो गुलाम हुसैन सलीम, बी तारिकी शेरशाही, एक अब्बास सरवानी, सी वाकियात मुस्ताकी, तीन रिजकुला, डी अफसनाए साहा, पांच शेख कबीर, ई बसाते नून उन्स, चार इखत शाम देहलवी। प्रश्न 38। मुल्ला बाबहानी यात्री थे। ए अरब के, बी इराक के, सी ईरान के, डी खलज के। उत्तर सी मुल्ला बाबहानी के यात्री वृतांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न 39। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं। ए फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, बी डिस्ट्रिक्ट गजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, सी फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। प्रश्न 40। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। उत्तर बी। प्रश्न 41। अक्षर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। ए रामगुप्त एवं देवी के, बी नल दमयंती के प्रणय गाथा, सी रामायण के, डी महाभारत के। उत्तर सी।